जाली नोट और हथियारों का जखीरा। जी हां, कुशीनगर में जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जहां से जाली नोट की तस्करी में समाजवादी पार्टी के नेता सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर रखी है। सपा नेता रफीक खान उर्फ बबलू गैंग का मास्टरमाइंड है। रफीक खान का नेपाल, यूपी, बिहार और बॉर्डर इलाकों में जाली नोट कारोबार का नेटवर्क था। इस गैंग के पास से 5,62,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए, साथ ही 3,000 नेपाली मुद्रा और 1,10,000 भारतीय रुपए भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा बदमाशों के पास से 4 सुतली बम, 10 देसी बम, देसी तमंचे, 30 जिंदा कारतूस, 12 फायर किए गए कारतूस मिले हैं। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का संचालन समाजवादी पार्टी का नेता मोहम्मद रफीक अहमद कर रहा था। रफीक अहमद पर कई जिलों में, कई थानों में 11 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुशीनगर में जाली नोटों में डील करने वाले एक गैंग को बस्ट किया गया है, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 5,55,000 से भी ज्यादा जाली नोट वो बरामद हुआ है, 1,00,000 से ज्यादा नगद कैश बरामद हुआ है, 10 तमंचे इनके पास से मिले हैं, 30 जिंदा कारतूस मिले हैं, 12 यूज्ड कारतूस मिले हैं। इसके अलावा काफी संख्या में सिप कार्ड, लैपटॉप वो बरामद हुआ है। इनके पास से 4 सुतली बम भी बरामद हुआ है। कुशीनगर में जाली नोटों के कारोबार का सरगना सपा नेता होने के खुलासे पर बीजेपी हमलावर है। प्रवक्ता एसएन सिंह ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपराध की पाठशाला बता दिया है। दस लोग गिरफ्तार हुए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब उस गिरोह में समाजवादी पार्टी का लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय महासचिव गिरफ्तार हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने दुष्कर्म हो रहे हैं या आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो सब में समाजवादी पार्टी का नेता, कहीं लूट हो तो समाजवादी पार्टी का नेता, अयोध्या में दुष्कर्म हो तो समाजवादी पार्टी का नेता, कन्नौज में दुष्कर्म हो तो समाजवादी पार्टी का नेता। क्या समाजवादी पार्टी अपराध की पाठशाला बन गई है? और जब उन पे कार्रवाई होने लगती है तो अखिलेश यादव जी को दर्द होने लगता है और रोने चिल्लाने लगते हैं। अखिलेश यादव जी, आपको चाहिए कि अपनी अपराध की पाठशाला तो बंद कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इस समय पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है। मथुरा में बिल्डर शंकर सेठ गिरफ्तार किए गए हैं। 300 हरे पेड़ काटने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। वृंदावन स्थित डालमिया फार्म हाउस में एक ही रात में 300 पेड़ काट दिए गए थे। आरोप है कि गुरु कृपा तपोवन कॉलोनी बनाने के लिए जेसीबी पॉपलेन मशीनों से हरे पेड़ काटे गए थे। इस मामले में पुलिस ने एक जेसीबी भी बरामद की है। इस मामले में शंकर सेठ से पुलिस कर रही है पूछताछ और इस मामले में एनजीटी ने भी संज्ञान लिया था। नितिन गौतम और जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, ये बड़ा अपडेट विस्तार से बताइए। ये देखिए, वृंदावन छटिका मार्ग पर डालमिया फार्म हाउस था, जो कि 37 एकड़ में ये फैला हुआ था, उसमें करीब 300 पेड़ काटने का मामला सामने आया था, जब एक ही रात में पॉपलेन मशीन और जेसीबी के माध्यम से इन पेड़ जो हरे जो पेड़ थे उनको काट दिया गया था। बताया जा रहा है कि शंकर सेठ जो बिल्डर है, इसने इस प्रॉपर्टी का सौदा किया था और उसके बाद से जो उसने यहाँ पर कॉलोनी काटनी थी, जिसके चलते इसने जो है पेड़ों को कटवाया था। फिलहाल पुलिस ने मामले में गिरफ्तार की है शंकर सेठ की, साथ ही जो अन्य आरोपी है उनकी तलाश में दबिश पुलिस दे रही है इस मामले में। क्योंकि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये मामला काफी गंभीर था, क्योंकि TDZ में होने के कारण, मथुरा क्षेत्र होने के कारण, यहाँ पर पेड़ काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी होती है अगर आप एक भी पेड़ काटेंगे तो। लेकिन यहाँ पर 300 पेड़ एकदम से रातों रात काट दिए गए, जिसको लेकर सारा मामला काफी तूल पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट को मामले को देखते हुए यहाँ पे FIR हुई। वन दरोगा और वन रेंजर को जो है नोटिस दिया गया है, सस्पेंड किया गया है। शुक्रिया आपका नितिन गौतम जानकारी के लिए।
खबर ललितपुर से है, जहां पर एक युवक की रात में सोते समय हथौड़े से हथियार मारकर हत्या कर दी गई है। हमला मृतक की पत्नी ने चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये सनसनीखेज वारदात कुम्हेड़ी गांव की है। मृतक का नाम राजकुमार है। इनकी द्वारा शराब के नशे में अपने चाचा राजकुमार के सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट कर घायल कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना महरौनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान घायल की मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना महरौनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियोग में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आगरा से खबर, जहां पर ताजमहल में जलाभिषेक पूजा अर्चना की मांग को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वादी पक्ष के अधिवक्ता को यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने का आदेश जारी किया था। आज वादी पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय में यूनियन ऑफ इंडिया के जरिए सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव को पक्षकार बनने के लिए संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकते हैं। उधर आपको बताएंगे, ज्ञानवापी परिसर में मौजूद वजूखाने का एसआई सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष से याचिकाकर्ता राकेश सिंह की तरफ से जवाब दाखिल करेंगे और इस मामले में मस्जिद कमेटी का जवाब पहले ही दाखिल हो चुका है, ये जानकारी आप ले लीजिए। सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होने वाली है। पीलीभीत से खबर है, जहां पर गौ तस्कर के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। पूरनपुर थाना क्षेत्र में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने 65 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। 23 लाख कीमत का कृषि फार्म, 41 लाख रुपए की दो दुकानें इनमें शामिल है। इससे पहले एजाज अहमद की तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। एजाज अहमद पर 33 मुकदमे दर्ज है। पूरनपुर तहसीलदार पूरनपुर की उपस्थिति में थाना पूरनपुर पुलिस टीम के द्वारा अभियुक्त एजाज उपरोक्त की अपराध कार्य कर अर्जित की गई संपत्ति ग्राम शेरपुर कला में कृषि जमीन गाटा संख्या 0.246 रकबा 0.709 हेक्टेयर तथा मोहल्ला रजागंज कस्बा पूरनपुर में दो दुकान जिनका क्षेत्रफल करीब 17.66 वर्ग मीटर है, अनुमानित मूल्य लगभग 64 लाख रुपए को कुर्क किया गया। उधर सोनभद्र में पिता के बयान पर बेटे को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। बेटे पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है। आरोपी को सत्र न्यायाधीश रविंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। उधर सोनभद्र में ही एक और खबर आई है बड़ी, जहां से मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग से रेप की घटना सामने आई है। नाबालिग पीड़िता गर्भवती और पेट में दर्द होने पर परिवार वालों को इस मामले की जानकारी देती है, ये जानकारी मिल रही है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की घटना, जहां नाबालिग से रेप की घटना सामने आई। पीड़िता को जब अस्पताल ले जाने लगे तभी ऑटो में गर्भपात हो गया। पीड़िता ने मृत बच्ची को जन्म दिया। जिला अस्पताल प्रशासन पर पीड़िता को भर्ती ना करने का आरोप भी लगाया। हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद पीड़िता का इलाज शुरू हो सका। मामले में एएसपी ने बताया है कि भागवत नाम के एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। वर्षीय पुत्री जो कि मानसिक रूप से मूक बधिर है, बोल नहीं सकती है, उसको उनके घर के पड़ोसी ही, जो उसका नाम भागवत है, उसके द्वारा उसके अवैध संबंध बनाकर उसे गर्भवती कर दिया गया है। उन्हें इसकी जानकारी पहले नहीं थी। 2-3 दिन पहले ही लड़की को पेट में दर्द होने पर उसे डॉक्टर को दिखाया, तब उन्हें पता चली। आज ज़्यादा दर्द होने पर लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिससे मृत बच्चा पैदा हुआ है। उस बच्चे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसके बच्चे का DNA सैंपल भी सुरक्षित रखाया जा रहा है। अभियुक्त भागवत की गिरफ्तारी।